हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनाली चौधरी और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। इट्स डे टू इन उत्तराखंड इन डाडा नागराजा और मैं यहाँ पे सोई थी बिकॉज वो वाले जो रूम्स है ना अच्छे वाले वो उनकी बुकिंग है अब बिजनेस का। नाउ इट्स टाइम फॉर बिजनेस। तो मैं दादी के साथ सोई थी और यहाँ पे कल से लाइट नहीं और बहुत ठंड है मम्मा। मतलब जितनी हमारे वहाँ पे मैक्सिमम ठंड होती है उतनी यहाँ पे अभी। और ये मैं खिड़की खोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं दिखाता हूँ खिड़की खोल के कि है क्या यहाँ। बहुत गंदी ठंडी हवा आने वाली है बट मुझे खोलनी है तो खोलूँगी। दादी नहीं है ना अभी। खिड़की खोलते ही हवा, इतनी ठंडी हवा आ रही है यार। आज भी हिमालय नहीं दिख रहा, उधर दिखता है हिमालय। रोज देखती थी मैं यहाँ पे, जो बचपन में आती थी मैं रोज देखती थी यार, आज नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, बंद करो, ठंड लग रही है। दादाजी कुछ बोलो। क्या बोलूं बेटे, मैं अपने सोनाली बेटे को बहुत प्यार करता हूँ। जब से मिला हूँ हाँ। तो मुझे ये लगता है कि मुझे जो है ये बेटी इतनी देर से क्यों मिल रही है। ओह माय गॉड। और डाना नारे से मेरी यही प्रार्थना है कि इसकी सारी खुशियाँ इसको मिले। वाओ थैंक यू। और ये हमारे गांव का नाम भी रोशन करे। ठीक है। ये मेरा आशीर्वाद है। दादाजी कितने क्यूट लग रहे हैं ना, है ना? लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा जैसे लग रहे हो आप। गुड। तो बेटा भाई तूने पूछा कितने साल के हो? चिलिंग विद दादी इन द मॉर्निंग। ये दादी कल आपने मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई अच्छी आपके साथ। बोलती रहती हो बरड़ के बोल में बरड़ जब तुम सर रात भर रही है देख नहीं था मेरे बोल भैया तो है पैर अंदर हो तो नहीं आप दर में पहुंच गए। काम कर रही थी मैं। क्या बन रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हो। कहाँ से लिए टोपी? क्या वीडियो बना रहे क्या? हाँ। अरे टोपी मैंने वहाँ से हिमाचल से मंगाई है। हिमाचल मंगवाया? उत्तराखंड में नहीं मिलती क्या ये? नहीं ये हिमाचल की टोपी है। अच्छा अच्छे लग रहे हो। अच्छा भाई बहुत हाँ। चल ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया तेरा। सूजी बन गई मुझे यहाँ पे। अब काम मिला है कि अगर यहीं बैठी है तो देख लिया यहाँ पे कोई आए ना जानवर या कोई पंछी। आई एम गोइंग टू मेक श्योर कुछ आए ना यहाँ पे। मैं इस सूजी की रखवाली करूँगी। वाओ मैं काम करने वाली हूँ, बहुत काम करूँगी मैं। अभी तो मैं दो दिन चिल कर रही हूँ, मैंने कुछ काम नहीं करा इधर, बट अब करूँगी। दादी इधर आ। इतनी पहले तो बता, इतनी ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहा है? और मिली कहाँ से तुझे? इधर अपना नाम बता। वीडियो बना रहा तो क्या हुआ? वीडियो तो बना रही हूँ, नाम तो बता दे। आदि। आदि कहाँ रहता है, कौन से गांव में रहता है? नीचे वो नहीं बनाया नूडल, क्या बोलते हैं उनके गांव का? लसेरा गांव का है। आप भी? नहीं मैं तो बहुत दूर की हूँ। पंजाब क्यों? पंजाब क्यों? गढ़वाली बोल रहे हो? आप नहीं डालो, आप ये पूछ रखना, ठीक है? आज यहाँ पे भंडारा हो रहा है, सब खा रहे हैं भंडारे में। मैंने तो खा लिया, इन्होंने करवाया भंडारा। हमने नहीं,
तू आशीर्वाद ही है, करवा रहे हैं सब, बाकी विजय की तरफ से है, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो जो है यूट्यूब का ब्लॉग बना रही हो। अच्छा, ढंग से ये सही था। मैं रेडी हो गई नहा गई, एंड सी दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। अब मैं जाऊंगी मंदिर, दर्शन करूंगी। यहाँ पे इतनी सारी दुकानें आ गई, इतनी भीड़ हो गई, बट मंदिर तो जाना जरूरी है। जाओ मंदिर फिर से। चलो चलते हैं मंदिर। आज कंपैरेटिवली काफी भीड़ है मंदिर में, मतलब अभी तो भीड़ भी नहीं है। ये देखो यार, मेले के लिए देखो दुकानें भी बैठ गई, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। पंडित जी ने कितना बड़ा टीका लगा दिया। एक्चुअली मैंने बहुत सुना है यहाँ के, मैंने बहुत बार सुना है एक्चुअली, यहाँ पे मेला होता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं यहाँ पे मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, तो मैं उसमें कभी नहीं गई, कभी भी। तो इस बार मैंने प्लान कर ही लिया था कि मैं जाके रहूँगी, प्रसाद खा रही हूँ मैं एक्चुअली अभी, तो इसलिए आज मैं मेले में आई हूँ। कल है मेला, तो आज से शॉप्स लगनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे लोग भंडारा खा रहे हैं, एक भंडारा वहाँ में मॉर्निंग में हुआ था जो हमारी दुकान पे हुआ था, एक भंडारा यहाँ पे मेरे भाई भैया और करवा रहे हैं दिन का, एक सुबह का एक दिन का। सब लोग मुझे देख रहे हैं, लड़की क्या कर रही है फ़ोन पे, किससे बातें कर रही है ऐसे लग रही, बट दिस इज़ अ वीडियो, इट्स अ वीडियो, इट्स अ प्रैंक, इट्स नॉट अ प्रैंक, इट्स अ वीडियो। चलते हैं अब अपने घर। यहाँ कपड़ों की भी शॉप लगने लग गई, कपड़े चप्पल भी, वाओ जलेबी। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, अब मैं उठी हूँ दोबारा से और मैं अपना लंच कर रही हूँ। भंडारा आज यहाँ पे एक और भंडारा हुआ है, ये मेरे भैया ने करवाया है, तो हम ये भी खा रहे हैं भगवान का प्रसाद। अरे मैं वीडियो बना रही हूँ यार, बड़ा भयानक तूफान आया था अभी थोड़ी देर पहले, अब भी हवा चल रही है। सीरियसली मैं अपने कपड़े उठाने गई छत में और मुझे ऐसा लगा था मैं बस उड़ जाऊँगी, अब तो उड़ ही जाऊँगी। आज मुझे ये टॉप पहनना था उड़ने वाला, फुर्कीबान क्या उड़ जा, मेरे ईयरफोन गिर गया है? उठाओ उठाओ, क्या उठाओ, इसे उठाओ पकड़ो। हाँ, आंधी तूफान का डर लग रहा है, ये नहीं डरती भाई किसी से, शी इज नॉट स्केर्ड ऑफ एनीवन। अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे इतनी तेज आंधी आ रही थी, अब देख मैं कितनी तेज धूप आ गई, क्या है तो मौसम चेंज होता रहता है, बारिश हो रही है धूप में, किसकी शादी हो रही है धूप में, बारिश होती है तो क्या कहते हैं, गीदड़ की शादी होती है। गीदड़ की शादी हो रही है धूप में बारिश। हेलो भाई, क्या कर रहे, ये आलू छील रहा हूँ भाई। इतने सारे क्यों? इसकी मैं समोसे बनाऊंगा ना। अच्छा, कल के लिए तैयारी बना रही है क्या? हाँ, फोन लेके वीडियो ही बनते बना बना बना। हाँ, अच्छा समोसे कल मेले के लिए कर रहा है? हाँ जी, कल मेले के लिए। सही है यार, और क्या क्या बनेगा कल, थोड़ा मेन्यू बता दे। मेन्यू बनेगा, तेज बोलेगा, कल ज्यादा नहीं बनता वैसे, मेले के दिन ये सब नहीं होता, मेले के दिन जलेबी बनाते हैं, ये समोसे बनाते हैं, और बाकी देख लेना कल क्या क्या होता है। और चौमिन होती है? चौमिन तो होती है। ठीक है ठीक है। ये है देखो, हमने इतने सारे आलू छील दिए,
देखो सामने तो पहाड़ है, वो घर है जो व्हाइट व्हाइट कलर के चमक रहे हैं, वो जो ऑरेंज कलर का है ना ये एक लाइन, ये पता है आग लगी हुई है। जैसे यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं ना पत्ते सूख जाते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन सी छोटी सी आग सी लग जाती है अपने आप। अगर बारिश वारिश होती है तो ठीक हो जाता है बेटी। और यहाँ पे लाइट नहीं है यार बिल्कुल भी। ये देखो ये मंदिर है और ये नीचे का है, यहाँ पे इन्होंने फोन के फ्लैश लाइट जला के खाना बन रहा है इधर। और आज तो रहने की भी बड़ी दिक्कत है, ये देखो उन्होंने तो मोमबत्ती जलाई हुई है। यहाँ पे भी बाहर इतनी ठंड है, ऊपर से लाइट नहीं है यहाँ पे, शाम से लाइट नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा तूफान आ रहा था तो लाइट नहीं है। और ये इतनी छोटी सी मोमबत्ती जल रही है जो कि ऑलरेडी खत्म होने वाली है, दूसरी लेके आऊंगी मैं कैंडल फिर यहाँ जलाऊंगी। और यार सही लग रहा है वैसे, एडवेंचरस प्लस बहुत ज़्यादा पीसफुल, जो प्रॉपर एक गांव की लाइफ होती है। और प्लस यहाँ पे लोग आज इतने सारे आ गए हैं, इतने सारे रूम्स बुक, रूम्स तो छोड़ो नीचे सो रहे हैं ज़मीनों पर इतने भी लोग, क्योंकि कल है मेला जिसके लिए मैं आई हूँ और यहाँ पे रात से ही काम स्टार्ट हो रहा है। और मेरे भाई भाई तो कह रहे हैं हम लोग सोते ही नहीं हैं यहाँ, रात भर काम करते रहते हैं, मतलब कल की प्रिपरेशंस वगैरह। तब तो यार कल देखते हैं क्या होता है, कल बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं ना इसीलिए। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ अभी। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, एंड यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट इफ यू लाइक इट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।